नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास में। मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है अजीत डोभाल जी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर अजीत डोभाल का कद अब एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। डोभाल जी एक बार फिर से NSA बनना, ये बात बताता है कि मोदी के साथ साथ नए गृह मंत्री अमित शाह उनके काम से संतुष्ट हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि क्रमिक मंत्रालय के एक आदेश में डोभाल जी की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डोभाल जी को इस पद के लिए दोबारा नियुक्त किए जाने के संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है और ये व्यवस्था 31 मई 2019 से प्रभावी होगी। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ उनकी नियुक्ति को समाप्त हो जाएगी। इस आदेश में कहा गया है कि इस पद की नियुक्ति के दौरान उन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया है। डोभाल को पहली बार 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। इससे पहले नए गृह मंत्री अमित शाह ने NSA अजीत डोभाल के साथ बैठक कर आंतरिक सुरक्षा का जायजा लिया। बैठक में IB के चीफ राजीव जैन और गृह सचिव राजीव गावा भी मौजूद थे। तो दोस्तों, अजीत डोभाल जी की एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के लिए हमें उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए और अजीत डोभाल जी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय वायुसेना को लेकर। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास स्थित मेचुका एयरबेस से पिछले कई घंटों से लापता है। इस विमान में 13 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक इस विमान से अंतिम बार दोपहर 1 बजे संपर्क हुआ था। इस विमान में सवार लोगों में चालक दल के 8 सदस्य और 5 यात्री शामिल थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया से बातचीत की और सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की है। जानकारी के अनुसार इस विमान ने दोपहर 12:25 जोरहाट से उड़ान भरी थी, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद इस विमान से संपर्क टूट गया। वायुसेना ने इस विमान को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस अभियान के लिए Sukhoi-30 एयरक्राफ्ट और C-130 स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो भी भारतीय वायुसेना को लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख BS धनोआ 3 दिवसीय यात्रा जो कि 3 जून से 6 जून तक चलेगी, इसके लिए वे स्वीडन जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एयर चीफ मार्शल BS धनोआ स्वीडन में अलग अलग ऑपरेशनल और ट्रेनिंग यूनिट्स का दौरा करेंगे। साथ ही वे स्वीडन के वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। ये यात्रा बायलेटरल गुडविल के लिए भी कही जा रही है। बयान में कहा गया है कि यह यात्रा रक्षा सहयोग के लिए एक प्रेरणा प्रदान करेगी और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के साथ ही उत्पादन का आदान प्रदान सक्षम बनाने के लिए भी दोनों देश के वायुसेनाएं अधिक से अधिक एक दूसरे के संपर्क में रहेंगी। दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है कि वायुसेना प्रमुख का ये दौरा शायद MMRCA-2 के लिए भी हो सकता है, जिसमें कि स्वीडन ने अपने JS ग्रिपेन को भी इस टेंडर में शामिल किया है। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय सेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी जिप्सी का उत्पादन बंद कर दिया था और 1 अप्रैल 2019 में आधिकारिक तौर पर इस वाहन को बेचना बंद कर दिया। दोस्तों, मारुति जिप्सी की मांग कम होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। सेना जो कि मारुति सुजुकी की जिप्सी की प्राथमिक खरीदार थी, उन्होंने इसकी बजाय टाटा सफारी स्ट्रोम को चुना। हाल ही में सेना ने कथित तौर पर जिप्सी के लिए 3051 नए यूनिट्स के लिए आदेश दिया है और जिस पर मारुति सुजुकी की भी सहमत हो गई है। लेकिन ये जो यूनिट्स बनेंगी वो आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सेना के लिए ही बनेंगी। साथ ही आपको बता दें कि मारुति ने कहा है कि वे इसके मॉडल को अपडेट नहीं करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना ने इस जिप्सी के ईंधन की अधिक आवश्यकता होने के कारण जिप्सी को बदलना चाहती थी। मारुति सुजुकी केवल पेट्रोल इंजन ही देती है, हालांकि लाइटवेट जिप्सी बहुत सारे फायदे भी प्रदान करती है, जैसे ऑफ रोडिंग में इससे बेहतर फुर्तीली और कोई गाड़ी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है चीन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के रक्षा मंत्री वेंग फेंग ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर तनाव नहीं है और हालात स्थिर हैं और दोनों देशों की सशस्त्र सेनाएं एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संपर्क में भी हैं। फेंग ने कहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ संचार माध्यम से भी जुड़े हैं। भारत चीन सीमा विवाद के समाधान पर उन्होंने कहा है कि चीनी पक्ष भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि सीमा का प्रश्न ठीक से संभल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच के संबंधों को साउंड कहते हुए जनरल फेंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पिछले साल एक अनौपचारिक मीटिंग की थी। चीनी रक्षा मंत्री वेंग फेंग पिछले साल भारत दौरे पर भी आए थे। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस वक्त चीनी सीमा पर जो टेंशन हम अक्सर कहते थे, इस वक्त वो कम है, लेकिन चीन का कोई भरोसा नहीं है। ये दिखाता कुछ है, बोलता कुछ और है। साथ ही दोस्तों, इस वक्त चीन भी थोड़ा सा बैकफुट पे है क्योंकि भारत में जो सरकार मजबूत बनी है उससे चीन को कहीं ना कहीं लगता है कि अब शायद बार बार जो घुसपैठ वो करने की कोशिश करता है उसको
रोका जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है चीन की इस चाल के बारे में, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल एस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।